डियर ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट्स है, प्रोग्राम इलेक्टिव्स सब्जेक्ट्स है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में, है ना। ये सिलेबस जो है 2018 में बनाए गए थे AKU जब आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी था तब, ठीक है। तो हो सकता है कि इस बार 2023 में जो भी लोग एग्ज़ाम देंगे, है ना, या 2023 के बाद जो भी सेशंस आएंगे उसमें हो सकता है कि सिलेबस में चेंजेस किए जाएँ, तो जो भी होंगे वो आने वाले समय में की बात है। बट अगर आपका सब्जेक्ट ये है ना, अगर आप हमारी ये वीडियोस 2023 के बाद इसको देखेंगे, अभी 2023 में देख रहे हैं तब तो अच्छी बात है, बट जो जो लोग 2023 के बाद देखेंगे, है ना, तो जिनके सब्जेक्ट्स में, जिनके सिलेबस में ये सब्जेक्ट्स होगा ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, तो वही इसको देखेंगे ना। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ ट्रैफिक फोरकास्टिंग। मैंने आपको सबसे पहले बताया ट्रैफिक फोरकास्टिंग के अलग अलग मेथड्स, फिर मैंने बताया जो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जो कि मैकेनिकल मेथड्स ऑफ ट्रैफिक फोरकास्टिंग, और दूसरा अब आज हम लोग बात करेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ ट्रैफिक फोरकास्टिंग। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो एनालिटिकल मेथड्स ऑफ ट्रैफिक फोरकास्ट इन्वॉल्व्स द यूजिंग मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल मॉडल्स का यूज करके इसमें जो है हम लोग एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर जो भी ट्रैफिक पैटर्न्स है उसका। दिस मेथड्स टाइपिकली रियली ऑन हिस्टोरिकल डाटा एंड वेरियस एजम्पन्स अबाउट फ्यूचर ट्रेंड्स सच एज पॉपुलेशन ग्रोथ, चेंज इन लैंड यूज पैटर्न, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट्स, और भी कई सारे एजम्पन्स हमें जो है इसमें लेने रहते हैं, और एजम्पन्स लेने के बाद हम लोग जो है अपना एक फ्यूचर का क्या करते हैं, ट्रैफिक को जो है जो भी पैटर्न्स है उसको क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। दीज आर सेवरल कॉमन एनालिटिकल मेथड्स, कई सारे कॉमन एनालिटिकल मेथड्स हैं जो कि इंक्लूड करते हैं। तो इसमें रिग्रेशन जो एनालिसिस है ये जो कि मैकेनिकल मेथड्स की मदद से भी किया जाता है, और हमारा एनालिटिकल मेथड में भी जो है इसका यूज होता है रिग्रेशन एनालिसिस। इसमें जो है ट्रैफिक वॉल्यूम और के साथ जो है एक रिलेशंस बनाते हैं विद सेट ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, एम्प्लॉयमेंट, लैंड यूज, है ना, स्पीड, जो भी ट्रैफिक का स्पीड है, इन सभी पे एक रिलेशंस बनाया जाता है, और उसके बेसिस पे हम लोग जो है स्टैटिकल मॉडल की मदद से क्या करते हैं, फ्यूचर ट्रैफिक वॉल्यूम्स को डिज़ाइन करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं। उसके अलावा फिर हमारा टाइम सीरीज एनालिसिस भी जो है इसमें भी करते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है ये मैंने मैकेनिकल वाले में ऑलरेडी बता दिया, तो वही चीज़ यहाँ पे भी करना है, इसमें कुछ अलग नहीं करने हैं। उसके बाद आपका आता है ग्रोथ फैक्टर मेथड। ग्रोथ फैक्टर मेथड में क्या होता है कि फ्यूचर जो ट्रैफिक वॉल्यूम्स है ये डिपेंड करता है हमारा ग्रोथ फैक्टर के ऊपर, कि किस तरीके से जो है जो हिस्ट्री में डाटा लिया गया था और उसके बेसिस पे जो है एनुअल किस तरीके से ग्रोथ रेट रहा है एनुअल, उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, फ्यूचर का डाटा निकाला जाता है, जो भी फ्यूचर के वॉल्यूम्स है ट्रैफिक वॉल्यूम्स उसको मैनेज किया जाता है, मैंने हिस्ट्री में किस तरीके से आपका वेरी किया है और आपका जो है करेंट में क्या चल रहे हैं उसके बेसिस पे आने वाले समय को जो है क्या किया जाता है, ट्रैफिक वॉल्यूम्स को एस्टिमेट किया जाता है। उसके बाद आता है ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग। इस मेथड में क्या होता है कि मैथमेटिकल मॉडल जो है बनाया जाता है ऑन द बेस्ड ऑफ ट्रैवल बिहेवियर, है ना, ट्रैवल बिहेवियर के बेसिस पे, जिसमें कई सारे फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं जैसे ट्रिप पर्पस, ट्रैवल मोड, ट्रैवल टाइम, है ना, ट्रैवल ट्रिप का क्या पर्पस होगा, ट्रैवल का मोड क्या होगा, मोड का मतलब होता है कि किस माध्यम से वो जाना चाहता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहा है कि अपना ट्रांसपोर्ट से जा रहा है, अपना ट्रांसपोर्ट में भी किस तरीके का गाड़ी है उसके पास, है ना, इन सभी को देखा जाता है। फिर ट्रैवल टाइम, कब भाई घूमने जाएगा, तो भाई अब वो डिपेंड करता है कि लोकेलिटी के ऊपर, जैसे अब वो कोई बोल दे कि आप जो है बिहार में ककोलत है ना, तो ककोलत को अगर बोले कि हम जो है ठंडा में घूमने जाएंगे, है ना, अब एक बोल रहा है कि नहीं भैया हम तो गर्मी में घूमने जाएंगे, तो ये एक पैटर्न्स जो है डिसाइड किया जाता है कि भाई हम ककोलत किस टाइम में जाएं, या लोग सबसे ज़्यादा लोग किस टाइम में जाना पसंद करते हैं उसके बेसिस पे जो है मतलब डिमांड किस तरीके से है
आप पब्लिक का, उसके बेसिस पे कुछ डाटा को जो है एज्यूम किया जाता है और फिर जो है फ्यूचर ट्रैफिक वॉल्यूम को क्या किया जाता है, एस्टिमेट किए जाते हैं। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए तो जो एनालिटिकल मेथड्स है ट्रैफिक फोरकास्टिंग का, वो हमें यूजफुल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है फ्यूचर ट्रैफिक पैटर्न्स को, बट दे ऑल्सो हैव लिमिटेशन एंड अनसर्टेनिटीज। इसका भी कुछ लिमिटेशंस है और अनसर्टेनिटीज है। टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ ट्रैफिक फोरकास्टिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मल्टीप्लाई मेथड्स एंड कंसिडर अ रेंज अजम्पशन एंड सिनेरियोज। इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो कि मल्टीपल मेथड्स जो है उसकी मदद से जो है हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करना पड़ता है। कोई एक मेथड अगर उठाकर आप कहेंगे कि हम सिर्फ इसी मेथड से जो है कैलकुलेट करेंगे, एनालिटिकल मेथड्स में मान लो कि सिर्फ बोल दिया जाए कि रिग्रेशंस जो एनालिसिस था उसके बेसिस पे ही जो है हम सिर्फ फोरकास्ट करेंगे ट्रैफिक वॉल्यूम्स को या ट्रैफिक पैटर्न्स को, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कई सारे अलग अलग मेथड्स को यूज करके और उसके बाद कंबाइन करके एक फाइनल डिसीजन जो है लिया जाता है, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो जो भी मेथड्स हैं, चाहे वो हमारा मैकेनिकल मेथड्स हो चाहे वो एनालिटिकल मेथड्स हो, इसके लिमिटेशंस जो है देखने को मिलता है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आए हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो चैट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइए। बाकी मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ अगली वीडियोज़ में। थैंक यू।